28 जून 2019। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दूसरे से अति प्यार होना चाहिए, तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। आज की मुरली में स्पेशली बाबा ने क्रोध विकार के लिए जोर दिया है कि लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं। जो बच्चे रूठते हैं बाबा के तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते बच्चों, ठीक है ना। आज मेरे ध्यान रखना, आज प्रश्न है रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। उत्तर है जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो कल्याण कौन कर सकता है, उसके लिए दूसरा पॉइंट जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। और जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, मतलब किसी बात को अलग अलग ओपिनियन से उनका बात अलग है उनकी बात अलग है ऐसा होते हैं, वो बाप की इज्जत गवाते हैं, वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, नाराज हो, तो ये सब आपकी देह अभिमान की निशानियां हैं। तो अपने आप को चेक करो कि हमारे को देह अभिमान है कि नहीं है। लगता ऐसे है कि इसको बहुत देह अभिमान है, हमें देह अभिमान नहीं है। हमेशा ऐसा होता है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। प्रभु अपने आप को चेक करना है। अगर आप सातों गुणों पे बेस पे चल रहे हो, आप सोल कॉन्शियस हो। अगर सात गुणों से नहीं चल रहे हो, इन बॉडी कॉन्शियस हो। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो कहने के बाद कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी जरूर एक दूसरे को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। जब बाबा का ज्ञान समझ आ जाता है, इस परिवार से ज़्यादा प्यार होता है, लौकिकता में वो प्यार खत्म हो जाता है ना। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा तो आपस में लव होना ही चाहिए, बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। बाबा से लव तो है ही है, उसलिए आते हैं, पर आपस में भी बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि सत्यु में सब आत्माएं एक दूसरे को प्यारी लगती है। क्यों प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि सत्यु में शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो और अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं, और यहाँ
पता लगे कि लड़ने झगड़ने से प्रॉपर्टी में इस समय मिलना कुछ नहीं है, ये तो कार्मिक अकाउंट है आपका। यहाँ समझ आया, इसलिए यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं, यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है, यह है बेहद की बात। तो योग बल से बाप से वर्षा लेना है। हमारी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी हमारे को? योग बल से। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। तो हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। अब जितना जितना इंडिविजुअल, जितना जितना अलग अलग बाप को याद करेंगे उतना उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, यानी प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं, वो सब आसुरी संतान ठहरे, फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं, आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। एक ने कहा दूसरे को आपस में बात मान लेनी चाहिए, अगर आप दूसरी बात नहीं मानते हो मीन्स आप में देह अभिमान है। इसलिए मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तभी तो समझाया जाता है, फिर बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, यानी रावण के बच्चे, हमारे तो बच्चे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म शीर खंड होके रहते हो, इस समय देही अभिमानी बनकर रहना है। और अगर आपस में नहीं बनती, अगर आपस में नहीं बनती है, तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय अपने को समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। और यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी तो बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। वो ईश्वरी बच्चे कहला न सके, कितना अपने कोई घाटा डालते हैं, क्योंकि माया के वश हो जाते हैं, आपस में लून पानी हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर एक में है ही है ही है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? बाबा के बच्चे में और दूसरे बच्चों में फर्क क्या रहा? वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके, उनको सत्युग में ठिकाना नहीं मिलेगा। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ ही नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, क्या करना है फिर? प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा तो बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो वो ठहरे आसुरी संतान। आज चेक करना, अगर आपकी से लड़ाई हो रही है, किसे नाराज हैं,
किसे रूठे हैं तो क्या समझो, हम असुर हैं। अपने आप को दे दो कि हम असुर हैं। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए ही कह रहे हैं। वो क्या करे, देहमानी उसको सुना रहे मुरली, उसको सुना रहे, अपने को लगेगा नहीं मुझे बाबा बोल रहा है वो, ये भी देहमान की हाइट है नहीं। लेकिन बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। पर बाबा कहता, माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता, माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे देकर और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। तो सिम्टम क्या है, आपस में रूठना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बाबा देखते रहते हैं, बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। क्यों डिफरेंस करते हो, क्यों नाराज होते हो, अभी कोई परफेक्ट बने नहीं है। माया वार करती रहती है, माया ऐसा माथा मुड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। फिर क्या करें, अब अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। Hear no evil, see no evil। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। रवि भी असुरों वाले राजों के बैठे हो है ना, लड़ते झगड़ते रहोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। बाकी साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे और पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। लास्ट में कुछ कर तो पाएंगे नहीं, साक्षर बस हारा जाएगा, फिर रोएंगे पिटेंगे सजाएं भी खाएंगे यानी पछताएंगे। बाबा का कहना उस समय नहीं माना, बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, कैसे याद करें बाबा को, अलफ और बे, अलफ माना बाप बे माना बात चाहिए। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए, अगर आपस में ही लोन पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये है ही आसुरी औलाद, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है, उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल और पद कम हो पड़ता है। अरे तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। कोई कुछ भी कहे, मैं दो बारी सहा, दस बारी सहा, सौ बारी सहा, गिनती तो करनी नहीं है। सागर हो,
भरपूर हो, कोई कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, कोई बात नहीं, लेट गो। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं और अच्छी मत देते हैं, ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं, देवताओं में प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है, इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब कुमला क्या समझाई, दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो, बाप भी भारत में आता है, प्रूफ क्या है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो है कौन, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते, तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते वो किसी को समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। अब स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है, कोई प्रेजेंट रहे कोई एब्सेंट, यहां प्रेजेंट किसी रहती प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट वो है जो सदैव बाप को याद करते हैं और सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, अगर चक्र पूरे नहीं किए तो आप भी प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट उसकी रहती है जिसने मुरली भी सुनी और 8 चक्कर भी लगाए, उनकी प्रेजेंट होती है यहाँ पर। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो, जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे, भूल ही जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो और मुख में ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले, अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वो याद आती रहेगी, खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वो चीज याद आती रहेगी, ये खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं क्या करो, फिर मरने तो कैसे मरो, मरना भी हो तो कैसे मरो, अंत में क्या हो। बाबा तो कहते हैं सुदर्शन चक्र धारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए, सो का दर्शन करते करते वाह प्राण तन से निकल जाए, बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे ही जाना है, लोभ भी कम नहीं, लोभ है तो पिछाड़ी के समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला लास्ट तक तो उसी आश में मर जाएंगे, इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। तो बाप समझाते तो बहुत हैं, बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे, इतनी बाबा मुरली चला करके फिर भी देखते कौन समझता है, नहीं बाबा कहता हूँ बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो, कैसे, बाबा ओ बाबा, यानी बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजपा जाप चलता रहे, बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा
मीठे मीठे सीख की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। लास्ट में जिससे ज़्यादा अटैचमेंट है या जिससे ज़्यादा नाराज है वो याद आता है, इसलिए ना अटैचमेंट ना नाराज़गी, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, तब जाके कर्मातीत अवस्था होगी, तब पद मिलेगा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की धारणा याद रखना क्या, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, उससे अच्छा है चुप रहो, कुछ बोलो ही ना। दूसरा है किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, क्या करना है फिर, स्वदर्शन चक्र धारी होकर रहना है और अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। वरदान, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव, ऐसी दुनिया के बादशाह जहाँ कोई गम ही नहीं है, जहाँ कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। दोबारा बताऊँ, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव, भाव ने बताया आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। बाबा बच्चे क्यों बने, हम परफेक्ट बन जाए, तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है और यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। क्या है मेडल, प्रॉपर्टी क्या आपकी, आपकी श्रेष्ठ स्थिति, स्टेज आपकी क्या है, दैट इज एवरीथिंग। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वही सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते और सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त यानी इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं, प्रैक्टिकल में ऐसे होते हैं, कोई इच्छा ही नहीं है। स्लोगन, सारी प्रॉब्लम खत्म करने का एक ही इलाज, देह अभिमान को मिटा दो तो सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। देह अभिमान को मिटा दो तो सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी, यानी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसने ऐसे किया तब मेरा मूड खराब हुआ, उसने ऐसे किया तब मेरा मूड खराब हुआ, उसने ऐसे किया तब मुझे गुस्सा आया। हमारे को दूसरों को ब्लेम देने की आदत पड़ी है, दूसरों को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो ये मेरी ईगो है, ये मेरा देह अभिमान है जो मुझे मार रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, दूसरा मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मेरा देह अभिमान है ये, देह अभिमान छोड़ दो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ओम शांति।